हेलो एवरीवन, आज हम सूरदास के पद इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है कृष्ण की। ये वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर किसकी संगति में? कृष्ण की संगति में रहकर भी अछूते रहे हैं, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? तो गोपियाँ जो हैं कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती हैं। आप यहाँ ऑप्शन ग जो है वो मैंने यहाँ नीचे आपको बताया है, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर ग जो है ऑप्शन सही है, प्रेम की भावना वो रखती हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? वो कृष्ण के प्रेम में आसक्त हुई थी। अगर आपको प्रश्नों के जवाब आते हैं तो आप साथ साथ बताते जाइए। फिर हमारा प्रश्न आ जाएगा कि गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? यहाँ पर गोपियाँ जो हैं स्वयं को अबला मानती हैं। वो जब कहती है ना कि मैं अबला पूरी, हम अबला पूरी हैं, तो वो लाइन जो है वो इस चीज़ को बताती है कि वो अपने आप को क्या समझती हैं, अबला समझती हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा गोपियों को है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उन्हें लगता है कि उन्हें उनके साथ छल हुआ है, तो कृष्णा का बिहेव जो है उन्हें छलपूर्ण नज़र आता है। कैसा व्यवहार नज़र आता है? छल वाला। जब योग संदेश उन्हें भेजा जाता है तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कृष्ण को ऐसे ही प्रेम किया और उनके साथ छल किया जा रहा है। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार गोपियाँ जो हैं भोली हैं, सीधी हैं। तो ये वाला जवाब सही है, इसको इससे जोड़ करके लर्न कर सकते हैं। देखिए, स्वभाव और भोला कैसा है, भोला स्वभाव है। उसके बाद प्रश्न आता है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। सही जवाब है मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कृष्ण का योग संदेश लेकर के कौन आए थे? तो उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर के आए थे। इन्हें उद्धव भी कहा जाता है, उद्धव भी कहा जाता है। जब द के ऊपर दो मात्राएं लगा देते हैं तो उद्धव हो जाता है, वैसे ये उद्धव है। तो उद्धव जी योग का संदेश लेकर के आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो पुरीनी पात रहत जल भीतर, वो वाली पंक्ति जो है उसमें क्या बताया था कि कमल का जो पत्ता है जल में रहता है, फिर भी उस पर तेल की बूंद जो है ठहरती नहीं है। तो इसकी तुलना जो है उसी से की गई है। उसी प्रकार से उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन कृष्ण के प्रेम में नहीं आसक्त होते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है? तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन यहाँ पर किया है। आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, कृष्ण ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आएगा, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? तो यहाँ पर उद्धव जो हैं उनके प्रेम से अछूते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? खुद ही गोपियाँ कहती हैं कि हम तो हारिल की लकड़ी की तरह कृष्ण के प्रेम में रहते थे, हमेशा उन्हें पकड़ कर रहते थे, उनके प्रेम को पकड़े रहते थे, जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ कर रहता है। तो हारिल पक्षी से तुलना की गई है। हारिल पक्षी होता है
कबूतर के साइज़ का एक ग्रीन कलर का पक्षी होता है जो हमेशा अपने पाँव में एक लकड़ी को पकड़ करके रखता है। प्रश्न आता है, उद्धव कृष्णिका कौन सा संदेश लेकर के आए थे? तो प्रेम का संदेश भी नहीं लाए थे, अनुराग भी नहीं, तो इनमें से लाए थे योग का संदेश। योग संदेश वो लेकर के आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आज के ये प्रश्न हैं जिसमें हमने सूरदास के प्रश्न देखे हैं। इसके अलावा भी सारे वीडियोस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आपको चैनल पर मिल जाएंगे। हाँ, 9th क्लास के भी सभी क्लासेस के और सब्जेक्ट्स के भी हमने बनाए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साथ में व्याख्या और समरी भी आपको मिलेंगी और एनिमेटेड समरीज भी आपको मिलेंगी चैनल पर। आप चैनल विज़िट करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें मैं लिंक भी बता दूंगी, तो सारे जो वीडियोस हैं वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही स्क्रीनशॉट लेकर के इनके नोट्स भी आप बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।